गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू रुलिशस किचन। मेरे प्यार प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जी हाँ, आज एक बहुत बेहतरीन वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट ऑप्शन है स्मूदी बादाम और ओट्स की। उसके साथ ही किड्स के लिए बहुत ही स्पेशल सी एक स्ट्रॉबेरी क्रश की स्मूदी है, ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन जो दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिएगा। सामने जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। ये मेरे पास स्टील कट ओट्स हैं। आप चाहें तो नॉर्मल ओट्स भी ले सकते हैं, रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच आपने ओट्स ले लेने हैं और इनको भून लेना है। भूनने से और भिगोने से आप, कई लोगों को इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ब्लोटिंग हो जाती है, वो नहीं होगी। तो आप इसको भून लीजिए अच्छा सा, जब आपको खुशबू आने लग जाए बस फिर आपने इसको भिगा देना है 2 से 3 घंटे के लिए और इसको रख देते हैं। अब हमने लिए हैं केसर के कुछ धागे, जिनको हम पानी में, गर्म पानी में या दूध में भिगा देंगे। और इसको आप भिगाने के बाद 2-3 बार माइक्रोवेव करिएगा, बहुत अच्छा पानी रंग छोड़ते हैं। इसके साथ ही देखिए हमारे ओट्स भीग के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने 2 घंटे तकरीबन भिगाए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पकी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। इसके बाद इसको एक छोटे से मिक्सी चटनी ग्राइंडर में ले लीजिए। इसमें हमने बादाम भिगा दिए थे, उसके छिलके निकाल दिए हैं। 10 बादाम पर कप, अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच ओट्स और 10 बादाम ले लीजिए। बादाम की स्मूदी है तो बादाम तो डलेगा ही। तो ये बेस है हमारा, इसी बेस से हम डिफरेंट स्मूदीज बना सकते हैं। तो ये हमने बादाम ले लिए हैं 20, और इस समय आप चाहें तो हरी इलायची मिला सकते हैं। मैं बाद में अभी मिला रही हूँ, और आप चाहें तो बाद में भी जब एक बार फिर हम ग्राइंड करेंगे तब भी मिला सकते हैं। ये 2 हरी इलायची है। अगर आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो ये इलायची को स्किप कर दीजिए। तो बस हमने इसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर देना है पेस्ट में। और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमने 2 कप, क्योंकि हम डाइट के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल डबल टोन मिल्क है, इसका मलाई बार बार निकल चुकी है और मैंने भी एक बार निकाल दिया, तो बिल्कुल ही टोन मिल्क है, विदाउट कैलोरीज, बहुत कम कैलोरीज हैं इसमें। तो ये देखिए, इसमें हमने ये एक उबाल आने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था इसको हमने इसमें मिला दिया है। हम ये 2 कप बनाएंगे, 1 हम बनाएंगे डाइट वॉचेस के लिए और 1 हम बनाएंगे बच्चों के लिए, जो कि होगी कैलोरीज से भरपूर दोनों ही। तो चलिए पहले हमने इसको उबालना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ये गाढ़ा हो जाता है। जो ओट्स है वो उसको थिकनेस दे देता है, बादाम भी थिक कर देता है, दोनों ही पके हुए ही हैं तो ऑलमोस्ट। तो इसको बस एक उबाल के बाद इसमें अब हम डालेंगे स्टीविया। अगर आप डाइट कर रहे हैं और आप नहीं डालना चाहते तो आप अंजीर 1 मिला सकते हैं, डेट्स मिला सकते हैं, किशमिश मिला सकते हैं, मुनक्के मिला सकते हैं, मैंने स्टीविया मिलाया है। या फिर आप चीनी अपने स्वाद अनुसार कम डालिएगा, स्ट्रॉबेरी क्रश में भी चीनी होती है। स्पून को चेक कीजिए इस तरीके से, अगर ये कोट करने लग गया इसका मतलब आपका हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको करके। आपने बिल्कुल ठंडा कर देना है, ये ठंडा हो चुका है। एक बार ठंडा करके हमने इसको फिर एक बार ग्राइंड कर देना आइस के साथ। इस वक्त अगर आप इसको थोड़ा आइसक्रीम जैसा टेक्सचर देना चाहते हैं तो फ्रोज़न बनानास आप डाल सकते हैं इस वक्त इसमें। और अगर आप स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं डाल रहे हैं तो आप इस वक्त फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। तो दोनों ही आप बनाएंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों के लिए इसको ग्राइंड कर देते हैं। इसमें हमने ये ले लिया, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना थिक हो चुका है। अब हम, आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी आइस क्यूब्स 1 कटोरी भर के, और इसी में अब हम, अगर आपने पहले इलायची नहीं डाली है तो डाल दीजिए, इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। अब हमने 1 कप ले लिया है, बड़ा सा ट्रांसपेरेंट कप हो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। स्ट्रॉबेरी क्रश में मैं लगा रही हूँ, अगर आप स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को क्रश करके भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी सी शुगर में कैरमलाइज करके भी उसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको एक लेयर लगानी है स्ट्रॉबेरी क्रश की। ये बच्चों के लिए है, ये डाइट वॉचर्स के लिए नहीं है, जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें काफ़ी कैलोरीज होती हैं स्ट्रॉबेरी क्रश में। और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज मिला दीजिए, क्रश का पार्ट स्किप कर दीजिए, आइसक्रीम का पार्ट स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से हमने लेयर लगा लेनी है 1 स्ट्रॉबेरी क्रश की, और 1 लेयर हमने लगा देनी है स्मूदी की, जो हमने तैयार की है ना, बस उसी स्मूदी को लगाते जाइए। तो बस सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। तो मैं फिर बता रही हूँ, अगर आप डाइट कर रहे हैं, वेट कम करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी क्रश को स्किप कर दीजिए, इसकी जगह आप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ को वो कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए पेस्ट के साथ। तो बस इस तरीके से हमने सारी लेयर्स लगा देनी है इसकी। मार्केट में जो शेक्स या स्मूदीज़ मिलती हैं वो थिक इसलिए होती हैं कि उसमें वो लोग थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालते हैं, जो स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, चॉकलेट कस्टर्ड, कॉर्नफ्लावर ये डालते हैं थिकनेस के लिए, उससे उसमें थिकनेस आ जाती है। लेकिन हमने इसको हेल्दी, अरे हेल्दी बनाया है, और उसके लिए हमने ओट्स डाली हैं, बादाम डाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो इस तरीके से देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी की जो स्मूदी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हमने, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा और
क्रीमी सा इसको टेक्सचर देंगे, थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे ताकि वो खा पाएँ, और उसमें ज़्यादा बहुत छोटे छोटे स्कूप डालेंगे हम इसमें। जी हाँ, तो ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मेरे पास, या वनीला आइसक्रीम हो तो वो डाल दीजिए। देखिए कितने छोटे स्कूप्स हैं, बहुत छोटे स्कूप हैं ये, तो छोटे छोटे स्कूप सिर्फ टेक्सचर देने के लिए, और बच्चों को थोड़ा सा लालच आ जाएगा, नहीं तो ओट्स की स्मूदी कौन पीता है। तो इस तरीके से आपने इसमें छोटे छोटे 2-3 आइसक्रीम के स्कूप्स डाल देने, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से, और इस तरीके से डाल देना। ये अपने आप थोड़ी देर में इसमें मिल जाएंगे, और उसमें उसके बाद मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश लिया, थोड़ी सी आइसक्रीम लिया, थोड़ा स्मूदी लेके उसको मिला लिया है, और उसको ऊपर से डाल दीजिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही टेस्टी सा इसका लुक आ जाता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा यकीनन। और इसके ऊपर थोड़े से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आपके पास स्ट्रॉबेरी नटीज़ हैं, ये मेरे पास राइस क्रिस्पीज थे थोड़े से, वो मैंने डाले हैं, थोड़े स्प्रिंकल अलग अलग मल्टी कलर डाल दीजिए, या फिर स्ट्रॉबेरी नट्स अगर आपके पास हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं स्टार शेप वाले, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सुंदर सा बना दीजिए, तो ये आपका स्ट्रॉबेरी स्मूदी तैयार है। बच्चों के लिए बहुत ही कातिलाना लुक है इसका, खाने में इतना खूबसूरत टेस्टी होता है कि बच्चे सच्ची में आपसे हफ्ते में 2 बार बोलेंगे कि मामा आज हमें स्मूदी दे दो। तो चलिए दूसरा है डाइट वॉचर्स के लिए, ये वेट कम करता है, इससे मैंने अपना वेट कम किया था जब मैं वेट कम कर रही थी। ये केसर देखिए कितना अच्छा रंग छोड़ दिया, इसको मैंने 3-4 बार पानी में माइक्रोवेव में चला दिया। अब हमने सेम वही तरीके से करना है, सेम जो हमने स्ट्रॉबेरी के साथ किया, बस इसको केसर के साथ हमने लेयरिंग करनी है। तो ये हमने केसर का जो पानी था इसको 1 चम्मच आधा चम्मच डाल दिया है, और इसके ऊपर हम सेम स्मूदी डालेंगे। अगर आप इसको आइसक्रीम फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें आप फ्रोज़न बनाना डाल दीजिएगा, 2-3 पीस, ज़्यादा नहीं, पूरा बनाना नहीं डालना है आपने। और ये बहुत कम कैलोरी की स्मूदी होती है, जो आपके ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको 4 घंटे तक बिल्कुल फुल रखेगी। और अगर आप डाइट वेट कम करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप ये लेना शुरू कीजिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसमें स्मूदी के ऊपर से डाल देनी है, और फिर एक लेयर लगा देनी है वापस से केसर के पानी की। केसर से बहुत अच्छा सा, अगर गर्मी है तो आप केसर को स्किप कर सकते हैं, हल्दी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वेट कम करने के लिए। हल्दी को भी आप पका के पानी में इस तरीके से डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। हल्दी के साथ हमेशा काली मिर्च यूज़ कीजिए तो अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो पर फिलहाल अब हम सर्दियां हैं तो हम केसर यूज़ कर रहे हैं। केसर से फेस में भी बहुत अच्छा ग्लो आता है, जो लोग बहुत केसर खाते हैं लेते हैं उनका देखना फेस हमेशा चमकता रहेगा, लगाने से भी खाने से भी। केसर बहुत ही अच्छी है, सर्दियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके बाद हमने एक लेयर इसके लगाने के बाद अब सारी स्मूदी जो है इस तरीके से हिलाते हुए डाल देंगे ताकि जो इसकी लेयरिंग है वो पूरी हो जाए। ये जो केसर का रंग है धीरे धीरे उसके साथ मर्ज होता चला जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है, और बहुत ही शानदार। इसमें इलायची का फ्लेवर आ रहा है, केसर का फ्लेवर आ रहा है, ओट्स अपना इसमें घुल मिल गई है, बादाम का तो फ्लेवर है ही है। बहुत ही टेस्टी सी होती है ये स्मूदी, और बहुत फिलिंग होती है, बहुत जल्दी पेट भर जाता है। ऊपर से बचा हुआ केसर आप इस तरीके से डाल दीजिए। कैमरा इतने अच्छे से इसके कलर को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बेहद हसीन लग रहा है। और इस तरह से टूथपिक से आप इसको घुमा दीजिए, मार्बल इफेक्ट आ जाता है ऊपर देखने में, अंदर भी जब आप पीने लगेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, आंखों को बहुत सुंदर लगेगा। ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दीजिए, ये आपकी स्मूदी तैयार हो चुकी है। ओट्स और आलमंड स्मूदी बहुत ही कातिलाना फ्लेवर के साथ, दिखने में बेहद हसीन, और वज़न कम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। जो लोग मोटे हो रखे हैं सर्दियों में उनके लिए बेहद बढ़िया ऑप्शन है। आप इसको 10-15 दिन तक ब्रेकफास्ट में, और फिर मुझे बताइए। और अगर आपको और भी टिप्स चाहिए वेट कम करने के लिए तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो लीजिए हमारी ओट्स की स्मूदी तैयार है आलमंड के साथ, और ये है हमारे वेट वॉचर्स के लिए, और एक है हमारी स्ट्रॉबेरी जो है बच्चों के लिए, आप बना के दीजिए उनको। और उसी को आप डिफरेंट फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में तो कर ही दिया, ब्लूबेरी फ्लेवर में कर सकते हैं, ब्लूबेरी को सोक करके उसके साथ कर सकते हैं, पर्पल कलर की हो जाती है। ये देखिए दोनों को एक साथ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की बेस आप ये रखिए, और फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की आप स्मूदीज बना सकते हैं। अगर आप चाहें बेस तो कभी कभी चेंज करने के लिए बच्चों के लिए, तो कस्टर्ड का बेस भी दे सकते हैं उनको, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है खाने में। ये देखिए अब हम इसको ट्राई करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आप टेक्स्चर देखिए इसका कितना कातिलाना, ये देखिए दिखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है, पीने में यकीनन आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको, बनाइएगा। और कल मिलेंगे फिर इसी जगह इसी वक्त एक नई रेसिपी के साथ, एक नई सुबह। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।